देखिए, आज मैं बता रही हूँ जो हमारे लॉन के कपड़े होते हैं उसमें से जो साइड में से कटिंग बच जाती हैं, तो उसके अंदर से हम अपने छोटे बच्चों के लिए झबले या फ्रॉक के किस तरह घर में तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बैक साइड से निकला था मेरा और ये फ्रंट साइड से निकला था। ये बिल्कुल सीधा पीस है और पतला भी है। अब हमें यहाँ पर किस तरह से इसमें लेना है, देखिए मैं पहले फ्रंट का घेर निकालूंगी, को मैं यहाँ पे इसके बॉर्डर के साथ मैच करूँगी। मैं देखिए पहले फ्रंट साइड का घेर निकाल रही हूँ। ये दो पीस है मेरे पास, दो पीस हैं इस तरह के, और यहाँ से पहले मैं इसका ये जो बॉर्डर है इसको पहले बॉर्डर को मैच करूँगी ताकि घेर बन के बॉर्डर भी मैच हो जाए और अच्छा लगे। और ये मैं इसको सेंटर में रखूँगी। ये दो पट्टियाँ हैं हमारे पास, तो हम इनको साइडों में भी रख सकते हैं और सेंटर में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको सेंटर में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लुक देगा ये। तो अब यहाँ से हम इसको लंबाई रखेंगे घेर की, वो तो 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं घेर की लंबाई रखूँगी 13 से 14 इंच। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आपको चाहिए। इस तरह हम यहाँ निशान लगा लेंगे। यहाँ से इसको कटिंग करके हम अलग कर लेंगे। यहाँ से इस तरह करके निशान डाल लें पहले सीधा। इसको कटिंग करके यहाँ से इसके बराबर कर लेंगे हम। अब हमने यहाँ फ्रंट साइड का घेर निकाल लिया है। अब ये वाला जो कपड़ा बचा है इसमें से हम बैक वाला लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने घेर की कोई चौड़ाई का हिसाब आपको इसलिए नहीं बताया है कि ये आपके पास कपड़े में जितनी गुंजाइश हो उस हिसाब से रख सकते हैं आप इसको। अब ये वाला पीस जो बचा है हम इसको पूरा ही ले लेंगे। ये बैक का घेर हो गया और ये फ्रंट साइड का घेर हो गया हमारा। आधी पट्टी आ रही है, इसको हम यहाँ पर निकाल देंगे। हाँ जी, जितना ये एक्स्ट्रा आ रहा है इसको काट के निकाल दूंगी मैं। तो अब यहाँ हमने घेर की कटिंग कर ली है। बॉडी के लिए हमारे पास ये कपड़ा बचा है, तो हम यहाँ से इसमें इस तरह लेंगे बॉडी को, इसको डबल करेंगे। और ये हमारे पास डबल कपड़ा है, यानी दो पट्टी आएंगे मेरे पास। तो यहाँ देखे, मैं इस तरह इसको पहले चौड़ाई इसकी बता दूँ आपको। यहाँ पर मैं 14 इंच पे यानी 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये डबल में है मेरे पास। अब लंबाई रखूंगी मैं यहाँ पे 5.5 इंच। बॉडी की लंबाई 5.5 इंच ले रही हूँ मैं। अब यहाँ से हम इसका पहले शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर रखेंगे हम 5 इंच पे, 5 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे और 5 इंच इसकी लंबाई रखूंगी मैं। यहाँ से एल वाला शेप दे देंगे, फिर इसको हम राउंड कर देंगे। यहाँ से हम 7 इंच रखा है, तो अब यहाँ से हम इसको 6.5 इंच कर लेंगे, यानी 1/2 इंच का ही बस हम इसको कम करेंगे। ये शॉर्ट बॉडी होगी, लॉन्ग नहीं होगी। यहाँ निशान डाल देंगे और इसी तरह यहाँ से क्रॉस वाला निशान लगा लेंगे। यहाँ से मैं नेक का निशान लगाऊंगी, तो नेक का निशान लगाऊंगी 2 इंच पे। पीछे की जो नेक कटिंग करेंगे हम, उसकी जो लेंथ होगी वो 1.5 इंच रखेंगे हम। आगे का हम इसको अलग करके कटिंग कर लेंगे। यहाँ से भी हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से इसको अलग करके फ्रंट साइड का गला हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो बच्चों के लिए ज़्यादा बड़े गले अच्छे नहीं लगते, तो ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 1/2 इंच का ही इसको बढ़ाऊँगी यहाँ से। और ये जो बैग वाला होगा इसको मैं पीछे से पूरा खोल दूँगी ताकि बेबी का सर आराम से अंदर चला जाए। अब ये वाली पट्टी जो हमारी यहाँ से निकली थी साइड में से, इसको हम यहाँ पर हल्की हल्की फिल करके इसको लगा देंगे। हल्की हल्की चुन दे के हम इसको यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे इसको बारीक सा मोड़ देंगे। चाहे तो आप यहाँ पे कोई लेस भी लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए, हमारी फ्रॉक की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। जो हमने बैक साइड से पूरा कटिंग कर दिया है, तो ये पट्टियाँ हम यहाँ पे इसमें लगाएंगे। एक हमने पतली ली है पट्टी और एक चौड़ी ली है, जिसको हम डबल करके लगाएंगे इस तरह। कपड़ा बचा हुआ है, इसी के अंदर से मैं पाइपिंग कटिंग करके गले के अंदर पाइपिंग लगा दूंगी। तो पाइपिंग जो काटूंगी मैं वो और एक पट्टी काटूंगी, तो इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं अभी। यहाँ पर पाइपिंग भी काट ली है। ये देखिए, हमारी बेबी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट है। अब हम इसको स्टिचिंग करते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको कटिंग के वक्त बताया था कि ये अगर हम सेंटर में रखेंगे ये वाला पार्ट, तो हमारा ज़्यादा अच्छा लुक देगा। अगर हम यहाँ पे इसको सेंटर में लगाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसको यहाँ से कटिंग करूँगी, ये वाला पार्ट जो है मेरा, इसको मैं यहाँ से सेंटर बीच में से काट दूँगी और फिर इसको दोनों साइडों पर जॉइंट कर दूँगी इसके साथ।
देखिए सेंटर से भी ये दो पट्टियाँ थी, तो इस तरह हमने इसको दो पट्टियों को पहले जोड़ लगा लेना है, फिर उसके बाद इसको इसके साथ जोड़ेंगे। तो ये पहले हम इसका फ्रंट पार्ट इस तरह जोड़ लगा के तैयार कर लेंगे, फिर हम इसको घेर के साथ लगा देंगे। यहाँ पे हमें सिलाई लगानी होगी, एक यहाँ पे सिलाई लगानी होगी और एक इसके साथ लगानी होगी सिलाई। तो पहले हम इन सिलाइयों को लगा लेते हैं। तो यहाँ देखें हमने इनके बॉर्डरों को मैच करते हुए इसमें यहाँ पे इस तरह सिलाइयाँ लगा ली हैं। मेरे पास इस तरह पट्टियाँ थी, तो ये पहले हमने यहाँ पे इसको सेंटर की सिलाई लगाई, फिर ये दोनों साइडों में लगा दिए इसके साथ। और यहाँ से भी देखें इसके बॉर्डर को भी हमने इस तरह मैच कर दिया है। अब ये बैग वाला जो है इसके अंदर मैं यहाँ पे हल्का सा कट लगाऊंगी, तकरीबन 2 इंच का, जो कि हमें बॉडी के साथ ज्वाइन करना होगा। बस इतना हमें कट लगाना है। अब हमें बॉडी को इसके साथ लगाना है, तो इससे पहले हम यहाँ पे बड़े बखे की सिलाई लगा लेंगे फ्रंट और बैक दोनों पे। यहाँ बॉडी में सेंटर का निशान लगा लेंगे, हम हल्का सा कट लगा के निशान लगा लेंगे। और घेर में तो हमारे पास सेंटर का निशान बना हुआ था, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह बराबर रखेंगे और बराबर मिलाते हुए चुनों को इसके साथ कवर कर देंगे। तो ये देखें जिस तरह हमने ये फ्रंट वाली लगाई है, इसी तरह हमें बैक वाली भी लगा लेनी है। कट लगाया था और यहाँ से ये जो सीधा वाला साइड आ रहा है, ये बटन वाला साइड होगा, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह रखेंगे, इसको भी इसी तरह चुने देके कवर कर देंगे। इसी तरह मैं दूसरे साइड की भी इसी तरह लगा लूँगी। ये देखें घेर में इस तरह हमने लगा लिया है, और अब इसमें हम यहाँ पे ये बटन वाली पट्टियाँ लगाएंगे। तो ये मैंने घेर तक का खोला था, इसीलिए पहले हमने इसको घेर के साथ ज्वाइन किया है। अब हम इसमें पट्टियाँ लगा लेंगे ये बटन वाली। यहाँ से ये देखें पट्टी ये हमारी सीधी है, और ये बैग वाला कपड़ा जो है ये उल्टा है। अब मैं इसको इस तरह थोड़ा सा ऊपर चढ़ाते हुए पट्टी को इस तरह रख के लगाऊंगी बैक साइड से। तो जहाँ तक कट लगा हुआ है हमें वहाँ तक ही सिलाई करनी है बस। इसको यहाँ हल्का सा एक कट लगा लेंगे इस तरह का। अब इस कपड़े को इस तरह करेंगे और इसको इस तरह डबल करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे इसके अंदर। देखिए इस तरह एक हमने पट्टी लगा ली है, और अभी एक पट्टी को हम ये वाली पट्टी को इस तरह रख के लगाएंगे। तो यहाँ से ये हम ऊपर से रख के लगाएंगे। पहले वाली को हमने उल्टे साइड से लगाया था, जिसको हमने सीधे साइड पे टर्न किया है। अब ये वाली को हम सीधे साइड से लगाएंगे, यानी दोनों ही सीधे साइड हैं। अब इस वाली पट्टी को हमें इस तरह से बैक तरफ हैंग कर देना है। तो यहाँ अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो सिलाई लगा लें, वरना मैं तो इसमें सिलाई नहीं लगाऊंगी। ये इस तरह से पट्टी आ जाएगी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब ये देखें यहाँ से हम बॉडी को सेम मिला लेंगे। सेम मिलाते हुए इस तरह इसको पकड़ेंगे और इसमें यहाँ पे सिलाई लगा के इसको बंद कर दूंगी मैं यहाँ से। तो ये देखें इस तरह फिनिशिंग के साथ हमारी बटन पट्टी तैयार है। अब दोनों शोल्डर सी दूंगी मैं यहाँ पे, सीधे से सीधे को सीधे से मिलाते हुए यहाँ से शोल्डर की सिलाइयाँ लगा देंगे। इस तरह शोल्डर की सिलाइयाँ लगाने के बाद हम यहाँ पे इसमें फ्रिल लगा देंगे आस्तीन में, जो हमने पट्टियाँ कटिंग करके निकाली थी। तो इसको हमने यहाँ से बारीक मोड़ लिया है, यहाँ से हमने एक तरफ से इसको बारीक मोड़ लिया है, और अब हम इसको यहाँ पे डबल करके इसमें सेंटर का निशान लगा लेंगे। और अब मैं इसको यहाँ से लगाती हुई आऊँगी बिल्कुल लाइट लाइट सी, इसमें हल्की हल्की हम हाथ से ही चुन दे देंगे बिल्कुल, और इसको हाथ से चुन दे के पूरा इसको यहाँ तक कवर कर देंगे। अब इसी तरह हमें दूसरी भी आस्तीन में फिर लगा लेनी है। अब इस तरह हमें यहाँ फिर लगा लेने के बाद यहाँ पे हम इसको इस तरह रख के सिलाई लगा देंगे यहाँ पे एक। यहाँ पे हमने इस तरह सिलाइयाँ लगा ली दोनों साइड पे।
अब हम गले में पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए हमने और पट्टी कटिंग करी हुई है, यहाँ से हम इसको बराबर कर लेते हैं। अब हम इसमें बेबी पाइपिंग लगाएंगे जो कि हमें पीछे से रख के लगानी होगी। ये हमारा सीधा वाला साइड है और ये हमारा फ्रॉक का उल्टा साइड है, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह रख के लगाएंगे। बच्चों के कपड़ों में ये बेबी पाइपिंग लगी हुई है ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको हम यहाँ रखते हुए और एक पैर की सिलाई लगा लेंगे इसमें। यहाँ थोड़ी सी बाहर रखी है ये, ताकि हम इसको मोड़ लेंगे। फिर ये किनारे से इसको इस तरह मोड़ लेंगे। चाहे तो आप अभी भी इसी वक्त भी मोड़ सकते हैं और ये सिलाई लगाने के बाद भी मोड़ सकते हैं इसको। यहाँ देखें, इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह रखेंगे। तो यहाँ पे देखें, हम इसको जब मोड़ेंगे तो ये हमारे फ्रंट साइड पे खुद ही आ जाएगी। तो ये देखें, हम गले में पाइपिंग लगा लिए और अब हम इसको उल्टा करके इसमें यहाँ से रख के इसको रख के हम इसको सिलाई लगा के बंद कर देंगे। इसी तरह दूसरे साइड की भी सिलाई लगा के बंद कर दूंगी। अब यहाँ नीचे से हम इसको इस तरह फोल्ड करते हुए इसको मोड़ देंगे। तो ये देखें, हमारी फ्रॉक सिल के तैयार है। तो ये देखें, आपने देखा हमने कितने कम कपड़े में और कितने कम वक्त में इसको फ्रॉक को तैयार किया है। तो ये गर्मी में बच्चे पहन के ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। हमारे कपड़े जो बचे हुए होते हैं वो इस तरह ज़ाया भी नहीं होते हैं।